हेलो गाइस, इस वीडियो में हम प्रोसेस सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सिंबल्स दिए गए, यहाँ लेटर और फिर डिस्क्रिप्शन। नाउ ओ है, ओ यानी ऑपरेशन के लिए ओ सिंबल का यूज़ किया जाता है, इंस्पेक्शन के लिए स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए एरो का यूज़ किया जाता है, डीले के लिए डी का यूज़ किया जाता है और स्टोरेज के लिए उल्टा ट्राइंगल का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर उसकी सारी फर्दर प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हुई है कि आपको समझने में इजी रहे, बट हम इन ब्रीफ यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि ऑपरेशन, एक्टिविटी क्या है ऑपरेशन, उसका सिंबल ओ रहेगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही है तो कोई याद रखने में हमें दिक्कत नहीं होगी। मीनिंग क्या है उसका, वो क्या बताना चाहता है। ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स दैट एनी प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन द मटेरियल, जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उस पर कुछ न कुछ प्रोसेस अगर हम करेंगे तो उसे हमें ओ सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। सो देर इज़ अ चेंज इन द कंडीशन ऑफ द मटेरियल, मटेरियल में कुछ चेंज आएगा। हियर द मटेरियल इज नॉट आइडल, मटेरियल ऐसे ही नहीं रहेगा, जैसे कि उस पर कोई मिलिंग ऑपरेशन होगा, टर्निंग होगा, कुछ वेल्डिंग होगा, कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, फिजिकली उसमें कुछ हम प्रोसेस करेंगे, तो उस प्रोसेस के लिए, उस एक्टिविटी के लिए हमें ओ सिंबल यूज़ करना है फॉर ऑपरेशन एक्टिविटी। नाउ इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन क्या है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल है स्क्वायर। इंस्पेक्शन रिप्रेजेंट दैट द प्रोड्यूस द आइटम इज चेक्ड फॉर द क्वालिटी, तो जो प्रोडक्ट हमने ऑपरेशन उस पर किया है ओ की मदद से, ओ सिंबल की मदद से, नाउ अब उसकी क्वालिटी कैसी है, इन टर्म्स ऑफ उसकी हार्डनेस क्या है, उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन में इंक्लूड होती है। नाउ द स्पेसिफिकेशन एंड एंड यूजर्स, फाइनल द आउटकम ऑफ इंस्पेक्शन आइदर लीड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, या तो क्वालिटी एज पर रिक्वायरमेंट होगी तो उसका उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना वो रिजेक्ट हो सकती है ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ उसका इंस्पेक्शन का जो सिंबल है वो है स्क्वायर, ये मैंने यहाँ सिंबल यूज़ किया है जो कि एक पेपर पैड का है। अगर आप याद करोगे तो इंस्पेक्शन में हर बार हमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है पेपर पैड की मदद से, तो अगर इंस्पेक्शन का ये सिंबल आपको याद आ जाएगा, पेपर पैड स्क्वायर में है ऐसा हमें याद करना है। एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में प्रोसेस सिंबल्स का एक ना कोई एक एमसीक्यू रहता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। नाउ ये कंप्लीट हो गया इंस्पेक्शन। नाउ ट्रांसपोर्ट की बारी, ट्रांसपोर्ट का जो सिंबल है वो है एरो। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स, मटेरियल्स और इक्विपमेंट, ये तीनों चीज़ों में से एक, वन प्लस टू अनदर प्लस, एनी मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और मशीन और मैन इज रिप्रेजेंट यूजिंग दिस सिंबल। मशीन, मैन या मटेरियल की मूवमेंट है वो इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि ये सारे लोग जो पीपल है, वर्कर्स है, वो रॉ मटेरियल की मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर ये भाई साहब है वो फोर्कलिफ्ट की मदद से ये रॉ मटेरियल चेंज किया जाता है। यहाँ पर मूवमेंट मैन यानी कि पीपल की हो सकती है, रॉ मटेरियल की हो सकती है और मटेरियल की भी हो सकती है। नाउ डीले, जो कि ये डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डी आप देख सकते हो, तो वो भी हमें इजीली याद आ जाएगा कि कैपिटल डी डीले का सिंबल है। दैट्स इट। डिले इंडिकेट्स दैट द शेड्यूल ऑफ द प्रोडक्ट इज डिस्टर्ब ड्यू टू एनी रीजन सच एज एब्सेंट ऑफ वर्कर, ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन और ड्यू टू एनी अदर रीजन, यानी कि प्रोडक्ट का जो शेड्यूल सेट किया होगा कि इतने टाइम में ये कंपोनेंट, ये जॉब है वो बन जाएगा, कंपोनेंट रेडी हो जाएगा, बट किसी भी कारण कंपोनेंट नहीं बन पाया, जैसे कि वर्कर एब्सेंट था, या जो मटेरियल है वो पहुंचा नहीं था, या फिर जो मशीन है वो अवेलेबल नहीं था, या पावर फेलर है, ये सारे रीजंस यहाँ पर इंक्लूड होते हैं डिले के लिए, यानी कि रॉ मटेरियल का मशीनिंग नहीं होना, वो ऑपरेशन कंडक्ट नहीं होना। इट इज़ अ समटाइम्स ऑल्सो टर्म एज अ टेम्पररी स्टोरेज, क्योंकि अगर मटेरियल होगा तो वहीं एक न एक जगह पर पड़ा रहेगा। जैसे कि यहाँ मैंने पिक्चर दिए कि एब्सेंट ऑफ वर्कर और सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पावर फेलर है, कुछ दिक्कत है, ऐसे रीजंस जैसे कि हम प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे, तो ये सारे डिले में इंक्लूड होता है, जो भी रीज़न है, मटेरियल पर मशीनिंग नहीं होना या फिर मटेरियल का ऑपरेशन नहीं होना।
नाउ स्टोरेज, तो उसका जो साइन है, उसकी जो सिंबल है, वो है उल्टा ट्राइंगल। इट इज द स्टेज ऑफ द फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल वेटिंग फॉर एन एक्शन। तो ये स्टोरेज का एक सिंबल है, जहां पर रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये दोनों में से एक चीज अगर रखा जाए तो वहां पर हमें उल्टा ट्राइंगल का सिंबल यूज करना है। नाउ जैसे कि यहाँ ये स्टोरेज जोन, अगर फाइल्स यहाँ ये कबर्ड्स में पड़ी हुई है तो मैंने यहाँ इसलिए ये फिगर रखी है। नाउ या दो कॉम्बिनेशन है, इंस्पेक्शन एंड ऑपरेशन। इंस्पेक्शन यानी लेटर पैड हमें याद करना है, जो कि एक स्क्वायर है, और ऑपरेशन जो कि उसका फर्स्ट अल्फाबेट यानी ओ। व्हेन टू एक्टिविटीज आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली ऑन द रॉ मटेरियल, सिंबल्स फॉर दोज एक्टिविटीज आर कंबाइंड। अगर एक के बाद एक ही वो अगर प्रोसेस फॉलो होगी तो उसे हम कंबाइन कर सकते हैं। हियर द सिंबल रिप्रेजेंट द कंबाइंड इंस्पेक्शन एंड विथ ऑपरेशन। इंस्पेक्शन के साथ यहाँ ऑपरेशन भी कंडक्ट होता है। ऑपरेशन यानी टर्निंग मिलिंग होना, उसमें रॉ मटेरियल में फिजिकली या केमिकली चेंजेस होना। नाउ उसी तरह से ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये दोनों सिंबल यहाँ पर कंबाइन किए हैं। हियर टू एक्टिविटीज आर कंबाइंड विद द ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। जैसे कि ऑपरेशन यानी टर्निंग मिलिंग एंड उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, उस फिनिश प्रोडक्ट को, या कह सकते कि रॉ मटेरियल को ऑपरेशन के लिए लाना। तो ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी एक फर्दर समरी टाइप मैंने एक पूरे एक फिगर यहाँ पर रख दिया। जैसे कि ऑपरेशन फर्स्ट अल्फाबेट ओ यानी सिंबल उसका ओ। ऑपरेशन मिशन एक्शन, इट इज अ वन स्टेप इन द प्रोसीजर। एनी ऑपरेशन फॉर मेकिंग अल्टरनेटिंग और चेंजिंग द जॉब, यानी कि जॉब में कुछ चेंज लाना रॉ मटेरियल में, जैसे कि कटिंग है, सैपिंग द वुड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर के लिए वुड को कट करना है या उसको सेप में लाना। इंस्पेक्शन उसका लेटर पैड हमें याद करना है। इट रिप्रेजेंट द चेकिंग ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स, जैसे कि वेट है या उसकी क्वालिटी क्या है, या क्वांटिटी क्या है, या उसकी हार्डनेस क्या है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। फिर है ट्रांसपोर्ट, तो वो तो सिंपल सा एक एरो ही है। मूवमेंट ऑफ ट्रैवल ऑफ वर्कर्स और मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जैसे कि स्टील रॉड है उसको मशीन शॉप में लाना, स्टोर से मशीन शॉप में लाना। डीले, कैपिटल फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ डीले यानी कि डी। डिले मीन्स द प्रोसेस हैज स्टॉप ड्यू टू सम रीजंस, कोई भी हो सकता है, जैसे कि टेम्पररी हाथ, जैसे कि पावर फेलर है, कि वेटिंग फॉर द लिफ्ट, ये सारी। स्टोरेज यानी कि उल्टा ट्राइंगल। इट इज द स्टेज ऑफ द फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल वेटिंग फॉर एन एक्शन, यानी कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस में लाने के लिए अगर कहीं पे हमने स्टोर किया है तो वहाँ पर हमें उल्टे ट्राइंगल से उसे डिफाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है। यहाँ ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन, यानी कि अ प्रोडक्ट इज बीइंग वेट व्हेन इट इज रिपैक्ड। ऑटोमेटिक प्रोसेस वेयर अ मिल्क टिन इज वेटेड। नाउ द ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोडक्ट्स आर मेड एंड रेडी फॉर द ट्रैवल। प्रोडक्ट का हमने ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया, फिर उसे ट्रैवल कराना यानी कि किसी और जगह पर मूवमेंट करना। यहाँ ऑपरेशन के लिए ओ दिया गया है और बीच में एरो ट्रांसपोर्ट के लिए। वॉशिंग अ प्रोडक्ट व्हेन इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।